हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एक नया चैप्टर। नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें आपको पढ़ने हैं कई टॉपिक्स, जैसे मैक्सिमम मिनिमा एंड रेट मेजर, अप्रोक्सीमेशन एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये आपके 5 टॉपिक्स कवर होंगे सीरीज में। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप सबने कर लिया है, यही किया है तो उसको आप कर लें। डिफरेंशिएशन की सारी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उसको देखने के बाद आप करेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पहले आप उनको देखें तब आप ये चैप्टर पढ़ें। तो इसमें हमें करना क्या होगा, हमको एक फंक्शन दिया जाएगा और हमको ये पता लगाना होगा कि वो फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में आपका वो डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही होगी यदि आपका एक्स बढ़ रहा होगा। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि यदि किसी फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू बढ़ते हुए ऑर्डर में पुट करते हैं और उस फंक्शन की वैल्यू हमको लगातार कम होती हुई मिलती है तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे हम एक एग्जांपल देकर समझते हैं, मेरे पास कोई फंक्शन सपोज fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अब मुझको ये देखना है कि मेरा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो आप दो नंबर लें x, यदि आपने मान लिया है एक x 1 लिया है 2, एक आपने नंबर लिया है x इक्वल टू 3। एक्स वन और एक्स टू आपने एक्स की दो वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर कर ली है। तो यदि आप एक बात देखें कि आपका एक्स वन जो है वो छोटा है एक्स टू से, इट मीन्स कि 2 है ये आपका 3 है। तो यदि आप इस फंक्शन में पहले पुट करते हो एक्स वन तो ये मिलेगा आपको 2 × 2 + 3, दैट इज 7। यदि आप इसमें पुट करते हो एक्स टू तो आपको पुट करना होगा 3 एंड आपको मिल जाएगा 2 × 3 + 3, दैट इज 6 + 3 = 9। इट मींस यदि आपने इस फंक्शन में एक्स की दो वैल्यूज पुट की है 1 by 1, पहले पुट की छोटी वैल्यू फिर पुट की आपने बड़ी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू पर आपको छोटा एक्स की छोटी वैल्यू पर फंक्शन की छोटी वैल्यू मिल रही है और एक्स की बड़ी वैल्यू पर आपको मिल रही है फंक्शन की बड़ी वैल्यू। तो आप कहेंगे कि आपका ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि आपको मैं इसी फंक्शन को ग्राफिकली समझा कर बताता हूं तो जो मैंने फंक्शन लिया था वो है 2x + 3, इसका जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा y = 2x + 3। तो यदि आप देखें, आप x की दो वैल्यूज लें x1 और x2, x2 आपकी बड़ी वैल्यू है या आगे भी आप ले सकते हैं x3, तो x3 आपकी और बड़ी वैल्यू है। तो x की बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की भी आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। या आपने x2 की पुट की बात करें तो आपको फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी, x1 की बात करें तो आपको वैल्यू ये मिलेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस फंक्शन का कर्व कुछ इस तरह से होगा, मतलब लगातार बढ़ रहा हो, ऊपर उठ रहा हो, ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वो लगातार ऊपर ग्राफ उठ रहा हो तो हम कहेंगे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। यदि एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उस फंक्शन की वैल्यू लगातार घट रही हो, ऐसा हो या ऐसा हो या ग्राफ आपका ऐसा हो। अब देखिए, एक्स की वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू है आपने एक्स वन लिया तो फंक्शन की वैल्यू आपको यहां मिलेगी। एक्स टू है आपका, ये एक्स टू की वैल्यू एक्स वन से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू आपको केवल ये मिल रही है। और आप आगे जाते हैं तो आपको एक्स थ्री ये पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू आपकी लगातार कम होती जा रही है। तो आप कहोगे कि आपका ये जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है आपका वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली हम कैसे पता लगाएंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन किस
किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में आपका डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए एक बात देखते हैं, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है जो सपोज ऐसा है। अब अगर देखें इसको हम, तो यहां तक तो ये लगातार कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू लगातार फंक्शन की बढ़ रही है, बट इसके आगे कैसा है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इस इंटरवल में आप कहोगे कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट इन दिस इंटरवल फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। यहां वो पॉइंट आपका है जहां से उसने डिक्रीज होना शुरू किया है, या इस पॉइंट को बोलेंगे जहां तक आपका फंक्शन इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से पहले पहले आप किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट आपकी ये होगी। इस टेंजेंट का स्लोप निकालने की कहा जाए तो ये आपका एंगल अल्फा होगा, तो आप निकालोगे टेन अल्फा। सपोज ये आपका स्लोप है एम वन, ये आपका एंगल एक्यूट एंगल है, तो आपका जो एम आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक, यदि आप इस पॉइंट से आगे की बात करेंगे, तो अगर मान ये वाला पॉइंट आपने लिया है, यहां पे आप ड्रॉ करें कोई टेंजेंट, तो इस पॉइंट का टेंजेंट मान लो ये एंगल बनाती है बीटा, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आपका आएगा वो मिलेगा आपको टेन बीटा, और ये एंगल आपका है ऑब्ट्यूज एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है, तो आपका जो स्लोप है वो मिलेगा आपको नेगेटिव। तो यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ए टू बी की बात करें, तो आपका जो टेंजेंट का स्लोप है वो रहेगा पॉजिटिव, और B टू C की बात करें तो आपका स्लोप रहेगा नेगेटिव। और आप देख रहे हैं बात कि इस O से A से लेकर के B तक आपका जो फंक्शन है वो लगातार कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और B टू C लगातार कैसा फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप स्लोप से भी पता लगा सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहोगे कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो आप कहोगे आपका फंक्शन नेगेटिव फंक्शन, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन आपका है। तो अब ये है एक्स की जिस वैल्यू से लेके और जहां तक आपका स्लोप रहा पॉजिटिव, आप कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और x की जिस वैल्यू से लेकर के जिस वैल्यू तक आपका स्लोप नेगेटिव रहेगा, आप कहोगे कि आपका फंक्शन उस रेंज में डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है, किसी भी फंक्शन का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना हम पता लगा सकते हैं उस फंक्शन के स्लोप से। अब बात यह आती है कि स्लोप निकालेंगे कैसे। आपको स्लोप निकालने के क्या करना है, मान लीजिए कि आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, आपको इस पॉइंट पर x1 कॉमा y1 पर स्लोप निकालना है, या x को y कोई पॉइंट आपका इस कर्व पर है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, आप इस फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। ये जो चीज होगी ये कहलाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। तो किसी भी फंक्शन का आप करते हैं डिफरेंशिएशन, तो जो डिफरेंशिएशन होकर के आपको मिलता है वो वैल्यू उस पॉइंट पर आपको जो ड्रॉ की गई टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करती है। तो स्लोप के लिए करना होगा, आपको करना होगा डिफरेंशिएशन, फिर देखना होगा कि कहां से कहां तक नेगेटिव है, कहां से कहां तक पॉजिटिव है। अब वो कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे मेन काम होगा आपको ये पता लगाना है कि आपका दिया हुआ फंक्शन में जो स्लोप है वो कहां से कहां तक नेगेटिव है, कहां से कहां तक आपकी पॉजिटिव है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जहां तक पॉजिटिव है वहां तक आपका स्लोप जो फंक्शन रहेगा वो इंक्रीजिंग रहेगा, और जहां से जहां तक आपका स्लोप नेगेटिव होगा वहां से वहां तक आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आपको किसी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए तीन चार बातें रखनी है। तो पहला स्टेप आपका होगा, आप करेंगे डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट
रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप करेंगे एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, एक बात यहां पर देखिए, अगर मान लो कोई आपके पास कर्व ये है और आपको ये पता लगाना है कि फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है, तो यहां तक तो आपका ये फंक्शन कैसा लगातार इंक्रीजिंग है, बट यहां तक कैसा है, वो डिक्रीजिंग है, फिर कैसा है, फिर इंक्रीजिंग है, यहां तक आया कैसा है, वो फिर डिक्रीजिंग है। यानी कि यहां पर अगर मैं ड्रॉ करता हूं टेंजेंट तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहां पर ड्रॉ करूं टेंजेंट तो ये इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, बिकॉज ये लाइन भी एक्स के साथ कैसी है, पैरेलल है, और यहां पर ड्रॉ करूंगा तो वो भी कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स, एक्स से टेंजेंट है, इसका स्लोप भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यदि आप इस फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये तो आपने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, आपने इसको पुट किया है बराबर जीरो के, तो जीरो पुट करोगे तो आपको x की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, x की ये वाली वैल्यू मिलेगी, और x की ये वाली वैल्यू मिलेगी, और x की आपको ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब ऐसा करने से आपको x की वो सारी वैल्यू मिल जाएंगी जहां पर उस फंक्शन में खींची गई टेंजेंट का स्लोप जीरो हो सकता था। अब सवाल यह है कि मतलब ये जो वैल्यू मिली है आपको, इनके बीच में ही फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, जैसे यहां तक देखो बढ़ रहा है, ठीक, यहां घट रहा है, डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है आगे। तो ये जो पॉइंट आपके आ रहे हैं, ये पॉइंट पहले पता लगाना चाहिए था आपको, तो हमने इसको पता लगा लिया, ठीक, जहां जहां पर स्लोप जीरो हो सकता था वो हमने पता लगा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, ठीक, थर्ड में क्या करेंगे हम, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट ईच वैल्यू ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। जो आपको यहां से एक्स की वैल्यू मिली है उन सारी वैल्यूज को आप इस नंबर लाइन पर लोकेट कर दोगे, x1, x2, x3, x4, ठीक। यदि फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, यदि फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट को आप इसमें से हटा दोगे, ठीक। जैसे कोई सवाल आएगा तो आपको दिखाया जाएगा, यहां पर लिखोगे फॉर एफ डैश एक्स, यानी कि जो आपका एफ डैश एक्स है, या ये है आपका एफ डैश एक्स है, या आपका डिफरेंशिएशन है, उसके लिए बना रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जो नंबर लाइन आपने ड्रॉ की है, ये वैल्यू आपने पुट कर दी नंबर लाइन पर, अब आप इनमें से कोई सा एक इंटरवल उठाकर देखना है। मान लो आपने इंटरवल ये ले लिया, या ये ले लिया, चाहे ये ले लिया, कोई सा आप इसमें से उठा लें एक इंटरवल। मान लिया मैंने इंटरवल उठा लिया ये वाला, ठीक। अब क्या करना है आपको, जैसे सपोज आपका एक्स वन आया था माइनस वन, ये आपका आया दो, ये आया चार, ये आया मान लेते हैं पांच, आपको एक्स की वैल्यू मिली है, ये चार वैल्यू आपको मिल जाती है एक्स की। तो क्या करना है, आप कोई से भी इंटरवल से एक्स की वैल्यू लेंगे जो ना तो ये हो ना ये हो, इंटरवल के बीच में से कोई सी वैल्यू आप उठा के पुट कर दें एफ डैश एक्स में, जो मर्जी वैल्यू, ध्यान रहे जो क्रिटिकल वैल्यू आपको मिली थी एक्स की, इन्हें कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यूज, उनके अलावा आप कोई भी उठा के नंबर पुट कर दें, जीरो पुट कर दें, दो और फोर, चार के बीच में जो भी नंबर चाहे पुट कर सकते हैं, या चार और पांच भी पुट कर सकते हैं। पुट ना करना है आपको, पुट करना है डिफरेंशिएशन में जो आपने यहां पे किया था। अब डिफरेंशिएशन पुट करने पर यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप यहां पर लिख देंगे नेगेटिव। सपोज आपने पुट किया मान लीजिए 2.4, 2.5 इन डिफरेंशिएशन, वो आपको नेगेटिव मिला, यहां पर लगा देंगे नेगेटिव साइन। तो एक लाया नेगेटिव, अब आप आगे अपनी मर्जी से अल्टरनेट साइन लगा सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज के पार जाने पर साइन आपका चेंज हो जाएगा। यानी ये आपको मिला है नेगेटिव, आपने पता किया है वैल्यू पुट करके, तो आपका ये नेगेटिव साइन आया है, तो इसके पास में पक्की बात है प्लस ही आपका आएगा,
फिर क्रिटिकल के बाद माइनस आएगा, इसके क्रिटिकल से इधर पॉजिटिव आएगा, फिर क्रिटिकल के पहले फिर नेगेटिव आएगा, मतलब दो सेम साइन पास पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आपको कोई सा एक निकाल लेना है, फिर लिख देना है प्लस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है मुझे कि x की इस वैल्यू पर आपका जो f प्लस x है वो नेगेटिव आ रहा है, और f प्लस x का मतलब ही क्या होता है, स्लोप, यानी स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, और स्लोप नेगेटिव जो होता है वो दिखाता है फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, या फंक्शन आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग, या हो जाएगा इंक्रीजिंग, या हो जाएगा डिक्रीजिंग, या हो जाएगा आपका वो डिक्रीजिंग। तो क्या देखोगे, फंक्शन जो आपका है वो x1 से x2 तक इंक्रीजिंग है, x2 से x3 तक आपका डिक्रीजिंग है, x3 से x4 तक इंक्रीजिंग है, x4 से आगे को आपका कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं x का इंटरवल कि किस इंटरवल में नेगेटिव है, किस में पॉजिटिव है। जिस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा होगा आपका f(x), उस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। जिस इंटरवल में आपका f प्लस x पॉजिटिव आ रहा होगा, उस इंटरवल में आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इंटरवल को लिखेंगे कैसे, यदि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, कैसा फंक्शन है ये, फंक्शन ये आपका कंटिन्यूअस है, तो आपको क्रिटिकल वैल्यूज पे लगाना पड़ेगा क्लोज इंटरवल। जैसे मैं इसी की बात अगर करूं, तब लिखोगे ये आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप मान लोगे माइनस इन्फिनिटी। अब लिखोगे कि आपका फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक तक, यहाँ पे लगाओगे आप क्लोज इंटरवल, कैसा है, डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ डिक्रीजिंग है, तो यूनियन लगाओगे और लिखोगे कि दो से चार, दो पर क्लोज, चार पर क्लोज, फिर लिखोगे तो यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग है आपका ये पांच से इंफिनिटी, पांच से इंफिनिटी, यहां पर लिखोगे आप फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें आपका ये डिक्रीजिंग है। बात करें इंक्रीजिंग की, तो लिखोगे आप माइनस वन टू टू क्लोज इंटरवल यूनियन फोर टू फाइव, ये आपका हो जाएगा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग। तो ये जो तीन चार पॉइंट है ये आपको फॉलो करने हैं। पॉइंट कौन से है, पहले स्टेप में आप करोगे डिफरेंशिएशन, जो भी आपको दे रखा है फंक्शन उसका करोगे डिफरेंशिएशन। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, उसी डिफरेंशिएशन को पुट करोगे बराबर जीरो के। स्टेप थ्री में या टू में ही वहां से एक्स की सारी वैल्यू पता कर लोगे जो आपको वहां से मिल सकती है, इनको कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यूज। स्टेप थ्री में क्या करोगे, उन सारी के सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे नंबर लाइन पर। उसके बाद आप नंबर लाइन पुट करने के बाद कोई सी एक वैल्यू उठाओगे सिवाय क्रिटिकल वैल्यूज के, क्रिटिकल वैल्यू को छोड़ करके कोई सी एक वैल्यू उठा के पुट करोगे f प्लस x में। यदि वो नेगेटिव आता है तो जहां से आपने उठाई थी वैल्यू वहां लगाओगे नेगेटिव साइन। अब एक नेगेटिव आ गया तो क्रिटिकल वैल्यूज के बाद उस साइन को आप चेंज करके लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको यहां पर मिलना प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस आप लगा सकते हैं। इस माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका जो एफ एक्स एक्स है वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद आप इंटरवल की फॉर्मेट में अपने आंसर को फिट करके लिख देंगे, ऐसे आपको मिल जाएगा फंक्शन आपका कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है और कहां से कहां तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक, तो अभी क्वेश्चन लेकर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा, कहां से कहां तक ये हमारा आपका डिक्रीजिंग होगा पता लगाना है। तो इसका पहले फॉलो करते हैं स्टेप वन। स्टेप फर्स्ट में आपको बताया गया था कि इसको आप वाई मान सकते हैं, इसका आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये आपको मिला है इसका डिफरेंशिएशन, इसको आप मान सकते हैं स्टेप नंबर वन। स्टेप टू में आपको बताया था कि आप पुट करेंगे dy ओवर dx को जीरो के बराबर, किसके लिए, फॉर k
क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक। जब पुट करेंगे आप तो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां से पता लगाओगे आप एक्स की वैल्यूज। तो एक्स का जब करेंगे इसका फैक्टर तो थ्री टू द सिक्स आपको मिल जाएगा ये, यानी कि एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री और टू, यहां से आपको मिलेंगे एक्स की दो वैल्यूज। अब स्टेप थ्री में क्या करना है, तो नंबर एंड ड्रॉ करेंगे आप और इस नंबर लाइन पर इन नंबर्स को आप लोकेट करोगे। अब पहला नंबर मिला है एक्स इक्वल टू टू, एक आपको मिला है एक्स इक्वल टू थ्री, यहां पर लिखना है फॉर डी वाई ओवर डी एक्स लिख दो या एच डैश एक्स लिख दो। अब इतना करने के बाद आपको एक कोई छोटी सी एक्स की वैल्यू लिखनी है, वो वैल्यू आपकी ना दो होनी चाहिए ना आपकी तीन होनी चाहिए, इनके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है। मान लिया मैंने वैल्यू उठाई आपकी जीरो, जीरो कहाँ होगी, दो से पहले कहीं होगी, इस इंटरवल में कहीं आपका एक्स इक्वल जीरो आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन एफ डैश एक्स, क्योंकि मुझको चेक करना है एफ डैश एक्स, तो ये आपका है एफ डैश एक्स, ठीक। क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स को ही मैं क्या पुट कर सकता हूं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो जीरो पुट इसमें आप करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का छ, यानी कि एफ डैश जीरो की वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव, यानी कि जीरो कहां पर होगा, दो से पहले होगा, तो ये साइन आपका पॉजिटिव है, यहां हो गया पॉजिटिव, तो ये कंफर्म है कि यहां पर नेगेटिव मिलेगा और यहां पर आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। प्लस का मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है, इसका मतलब अगेन इंक्रीजिंग है। तो आपका आंसर क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग इन, आपका ये वैल्यू कहां से आ रही होगी, अब आपकी माइनस इंफिनिटी टू टू एंड थ्री टू यूनिट, सो यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, इसमें तो आपका होगा इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग किसमें होगा, जहां तक आपका ये काम कर रहा है दो से लेके तीन तक, दो से लेके तीन तक आपका फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और ये यूज करोगे आप क्लोज इंटरवल्स, क्यों, क्योंकि आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए आप लगाओगे क्लोज इंटरवल्स, ठीक। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, स्टेप में कोई भी आप स्टेप मिस नहीं करोगे, ठीक है, स्टेप तमीज से लगाओगे सारे स्टेप, तो आपका आंसर एक बार में करेक्ट आपका आएगा। तो इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम इसके बाद, ठीक। तो तब तक आप इसको देखिए, सीखिए और अपने आप थोड़ा लगाओ क्वेश्चंस, ठीक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।